नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं श्वेता सिंह। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के 12 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक दूसरे इलाकों की छोड़िए राजधानी श्रीनगर भी पानी में डूबा हुआ है। हालात बेहद गंभीर हैं। ऐसे में अगर श्रीनगर जैसे हालात दूसरी जगहों पर भी बनने लगे तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि हिमालय की गोद में हिमाचल में ही एक कस्बे में जैसा है वो श्रीनगर की ही आहट सुनाता है। श्रीनगर ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली से भी जम्मू कश्मीर में हालात सुधारने के लिए मदद जा रही है, लेकिन खतरा यह है कि जैसा श्रीनगर में कुदरती हादसा हुआ वैसा हिमालय रेंज और भी कई जगहों पर होने का खतरा मंडरा रहा है। अपने इतिहास का सबसे डरावना कुदरती लम्हा ये श्रीनगर ही नहीं देख रहा। बदहाली की ये दास्तां सिर्फ जन्नत की किताब में ही नहीं लिखी, सिर्फ श्रीनगर की आंखों से ही दर्द के आंसू नहीं निकल रहे। जन्नत में कुदरत ने जो कयामत बरपाई है उसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। वो हिमालय के दरकते पहाड़ों से घाटियों में विनाश के पत्थर बरसा रहा है। वो क्या एक नहीं, दो नहीं, आफत के कई श्रीनगर बना सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जिस तरह जम्मू और कश्मीर का सैलाब दूसरी जगहों पर फैल रहा है वही खतरे की घंटी बजा रहा है। वो बता रहा है कि कोई झेलम या चेनाब या तवी नदी ही गुस्से में नहीं है, बल्कि हिमालय की धस्ती जमीन और भी नदियों के काल को पैदा कर रही है। जम्मू कश्मीर की वाहट पड़ोस के हिमाचल प्रदेश में भी सुनाई पड़ रही है। यहां मंडी जिले के कमांद के पास अचानक पहाड़ी तरंग गई। जहां घाटी थी वो अचानक दरिया में तब्दील हो गई। चारों तरफ से रास्ता बंद हुआ और पहाड़ी से कल कल कर बहने वाली उहल नदी की शक्ल वैसी हो गई जैसी झेलम ने श्रीनगर को बना दी। जो कि हमारे यहाँ से ये बरनाला जो रेवेन्यू विलेज है इससे बहुत बड़ा फ्लड गिर रहा है, इससे हमारे गांव जो कमांद है इसको बड़ा नुकसान हो सकता है और हमारा नीचे सीरमा और लोट वगैरह नालटू तक जो है 2,500 की पब्लिक है, इसको इसका नुकसान हो सकता है। कुदरत का गुस्सा आसमान से धरती तक फट पड़ा है। श्रीनगर तो उसकी बानगी भर है। इंसानी ताकतें खुद को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही, लेकिन सच तो ये है कि हिमालय का बड़ा हिस्सा अंदर से खदबदाया बैठा है। खबरदार होने का अलार्म बजा रहा है। मंडी में मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक कस्बे के पास ऐसी जमीन धंसी कि एक नदी का रास्ता बंद हो गया, कई गांव उधर डूबते डूबते बचे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर कहीं प्रशासन समय पर नहीं चेतता तो श्रीनगर जैसा प्राकृतिक हादसा मंडी में भी हो सकता था। आसमान से श्रीनगर की तस्वीर ऐसी लगती है मानो पानी से भरा कटोरा, अब उसमें जिंदगी बचे तो बचे कैसे। पहाड़ पर अचानक मूसलाधार बारिश हुई और झेलम के किनारे घाटी में बसा शहर पानी पानी हो गया। बहुत खतरनाक आ गया यहाँ, हर किसी को घर से निकलना पड़ा। दो दो एक 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 एक, एक, एक कोर को पानी आ गया, दो दो पार पानी आ गया। आज हमें चार दिन के बाद, हम चार दिन से रामबाग पुल पे सोए थे, तो चार दिन के बाद हमें आज एनडीआरएफ ने वहाँ से निकाला।
लोगों के पास कुछ नहीं है इस वक्त, ना ही चावल है, ना कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है, दवाई नहीं है। परेशानी सिर्फ नेटवर्क की है, मोबाइल फोन अगर चलते ना कम से कम एक दूसरे को पता चल जाता कि कौन कहां पर है। यही हाल दूसरी जगह भी होने लगे तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बारिश के कारण पहाड़ की जमीन ढीली हुई, इसके बाद इस कदर भूस्खलन हुआ, ऐसी जमीन फटी कि पहाड़ी का एक हिस्सा नीचे बह रही उहल नदी में जा गिरा। जैसे ही नदी का बहाव रुका और 500 मीटर में एक बनावटी झील बन गई। जो ये सामने बरनाला विलेज है, रात को करीब 1 बजे यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ और 15 से 20 मिनट के लिए ये जो उल्ड नदी है इसका फ्लो जो है रुक गया। एक आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे बन गई। इस कमान से थोड़ा ऊपर हमारा जैसे घर है, नीचे हमने मकान बनाया हुआ है और जो हमने देखा पूरी रात हमारे को नींद आई, ऊपर से जोर जोर से स्लाइडिंग हुई, जोर जोर से पत्थर आने लगे, बिजलियाँ चमकने लगी। जमीन कैसे फटी उसकी खोजबीन अब एक टीम करेगी, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को यह एहसास हो गया है कि उन पर कुदरत के कहर का आसमान कभी भी फट सकता है। गनीमत यह रही कि प्रशासन ने समय रहते नदी से लगते कस्बों और गांवों को खाली करा दिया, नहीं तो बर्बादी की एक और घाटी आपके सामने होती। प्रशासन ने यहाँ पे जो है कमांड वालों को अलर्ट कर दिया हुआ है कि यहाँ पे सभी नजदीक के जो गांव है रिवर साइड में जो सारे खाली करवा दिए गए हैं, तो उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था कर दिया, नियर स्कूल पे कर दिया, कहीं इधर कर दिया उनको। कभी जमीन धसने से तो कभी पहाड़ फटने से हिमालय घायल होता रहा, लेकिन इंसान की गलतियों की सजा पलट कर कुदरत इंसान को ही देती है, श्रीनगर इसका ताजा उदाहरण है। मंडी में मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। चाहे लेह में भूस्खलन हो या पिछले साल केदारनाथ में प्रलय या फिर अब जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से में सैलाब का कहर, ये सब बता रहे हैं कि हिमालय के कुदरत का कोप बढ़ रहा है और जानकार बता रहे हैं कि इसके पीछे इंसानी गलती का सबसे बड़ा हाथ है। अगस्त 2010, केदारनाथ जून 2013, जम्मू कश्मीर सितंबर 2014। बस साल बदलते गए, एक साल के कंधे पर सवार दूसरा साल आता गया, लेकिन नहीं बदला तो त्रासदी का वो दौर जो हिमालय के इलाके में स्थायी बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में उमड़ा दर्द का सैलाब यही कहानी बयां कर रहा है। पूरी सिटी खत्म हो गया है, बच्चे बूढ़े सब परेशान है, हर जगह पानी आ रहा है, दो दो मंजिल पर। हम खूब ज्यादा हो रहे थे, डर के मारे थे, हम कांप रहे थे, या हम डर के मारे मर जाते या हम भूख के मारे या पानी के मारे मर जाते। हम हजारों लोगों की जान लेने वाले इस हादसों की तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों आपदाओं में क्या समानता है? दरअसल इन सभी मौकों पर प्रकृति ने ऐसा रूप दिखाया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। आसमान से जैसे पानी मौत बनकर बरसा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल डैमेज सब पानी पर, बहुत मकान था, खिड़की के ऊपर पानी था, सब जेवरात जो चीजें बनाएगा चाहे 50 साल हो गए चाहे 80 साल हो गए सब डूब जाएगा। खाली मुझे पता नहीं मेरे फैमिली किस जगह है। देखा है पानी आ गया, वो शोर मचाया, मस्जिद में पट ऐलान हो गया जबरदस्ती है, बाहर में आया बच्चों लोग, छोटा छोटा बच्चे है, छोटा छोटा बच्चे है, मैं माल कुछ छोड़ा सब कुछ मैंने निकलाया, ये गाँव वालों का छोटा छोटा बच्चा का है, बस पता नहीं ये क्या हो गया। लेकिन बुरी खबर ये है, आने वाले दिनों में भारत के कई और इलाकों में ऐसे ही कहर बरसने वाला है। जम्मू कश्मीर की बाढ़ के कारणों की गहराई से जांच करने के बाद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है
ये कुदरती चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा है। नदियों के किनारे अंधाधुंध निर्माण का परिणाम है। इसके चलते नदियों में पानी बढ़ने पर निकास के लिए जगह नहीं बची। ज्यादा वर्षा होगी, बाढ़ आएगी, क्योंकि हमने अपने विकास के लिए ये नहीं सोचा कि पानी को भी निकालने का कोई साधन चाहिए। वर्षा ज्यादा आएगी, कम समय में आएगी, इस मेल की इवेंट बढ़ेगी। अगर इस मेल की इवेंट बढ़ेंगे और हम इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इस मेल का जो आज की बाढ़ है वो और भी खतरनाक और भी भयानक होती जाएगी। विशेषज्ञों की राय ये बता रही है कि अब सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मुद्दे पर काम करना होगा कि कुदरत की बनावट और बुनावट से कोई छेड़छाड़ ना हो, नहीं तो हिमालय में न जाने और कितने श्रीनगर देखने को मिल सकते हैं। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। अभी तो बारिश ने धरती के स्वर्ग को नरक में बदल दिया, लेकिन हिमालय की चट्टानें ऐसी भुरभुरी हैं कि आगे मामूली बारिश और ठंड के मौसम में बर्फ वहां के लिए नई मुसीबत लेकर आ सकती है। कुछ इंसानी हरकतों का असर है जो इंसान पर आफत का यह पहाड़ टूटा, मुसीबतों की बाढ़ इसे बहा ले गई, लेकिन इंसान के आगे कुदरती बनावट भी हिमालय के इलाके में इंसान के लिए नया खतरा पैदा कर रही है। साथ ही मौसम में हो रहा बदलाव, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का मतलब ही हुआ कि आपके जो मॉनसून है उनमें एनोमलीज करेंगे। मॉनसून लेट आएगा, बारिश बहुत तेज होगी, लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है वो गलत होगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, और ये आंकड़े अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े देखेंगे तो ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि जो एक मेजर चेंज जो पूरे दुनिया में हुआ है वो ये हुआ है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और उसके कारण जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि हिमालय के अंदर ऐसे भौगोलिक बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले दिनों में और बड़ी इंसानी मुसीबतों का सबब बन सकते हैं। हिमालय के पहाड़ों में पत्थरों की बनावट ऐसी है कि पानी अंदर तक घुस जाता है, जिससे चट्टानें कमजोर होकर टूट टूट कर गिरने लगती हैं। खतरा है कि बाद में हल्की बारिश भी बड़े भूस्खलन का कारण बन जाएंगी। सर्दियों में मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि बर्फ जमने से पत्थरों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हिमालय रेंज में जमीन के नीचे चट्टानी सक्रियता इतनी ज्यादा है कि पत्थर हिलते रहते हैं। जानकारों के मुताबिक हिमालयन रेंज में रहने वालों को कुदरत के साथ तालमेल मिलाकर चलना होगा। जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दूसरा स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। तो जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी और नियोटेक्टोनिक एक्टिविटी, इस सबके साथ एक सबसे बड़ी चीज जो है ये रेनफॉल। ये तीन चार चीज़ें मिल करके उस जगह को अत्यधिक संवेदनशील बना देता है ये लैंडस्लाइड के दृष्टि से। वक्त के साथ जम्मू कश्मीर में सैलाब से उमड़ी आफत खत्म हो जाएगी, इसके घाव भी भर जाएंगे, लेकिन इस खतरे की आहट हमेशा बनी रहेगी कि पता नहीं हिमालय के इलाकों में कब कहां कोई दूसरा कुदरती हादसा हो जाए। जम्मू और कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में जमीन के नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटी बढ़े हुए स्तर पर है, साथ ही साथ पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते चट्टानों में भारी मात्रा में पानी जमा है। इस वजह से हल्की हलचल से भी इन चट्टानों के खिसकने का खतरा बना हुआ है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।